नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर पोर्टल के हर न्यू अपडेट आपका कराते रहता हूँ, उसी के तहत दोस्तों आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित एक नया अपडेट देखने जा रहे हैं। यह वीडियो दोस्तों अधिकारी कर्मचारी गण के लिए भी है और आम नागरिक के लिए भी है, तो पूरा वीडियो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड आज एक न्यू अपडेट देखने जा रहे हैं। आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट तो पता ही है, pmayg.nic.in। तो इस तरह से होम स्क्रीन आ जाती है। मैं इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है, तो आप सारे वीडियोस देख सकते हैं किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है, किस तरह से हमें सारी चीज़ें देखना है, किस तरह से देखना है, और भी न्यू अपडेट जितने भी हैं सभी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस तरह से टारगेट्स आते हैं ये सभी। अच्छा दोस्तों, एक बात और है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हैं जी, ये हर मंथली जो है टारगेट आते जा रहे हैं, तो आप अपनी ग्राम पंचायत में पता करते रहें और जनपद पंचायत में भी पता करते रहें, क्योंकि टारगेट ऐसे मान लीजिए पहले महीने 10 आया, फिर दूसरे महीने मान लीजिए 3 टारगेट दे दिया, 3 टारगेट, फिर 5 टारगेट दे दिए, फिर ऐसे अपने आप टारगेट जो है सीधे दहली से जो मेन पोर्टल है, इस मेन पोर्टल के मेन जो विभाग है पूरा दिल्ली से सीधे मेन केंद्र से जो इनका टारगेट हर राज्य में हर ग्राम पंचायत के लिए हर मंथली जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, तो टारगेट आप पता करते रहें अपनी ग्राम पंचायत में, क्योंकि जैसे ही टारगेट वाइज आपके मान लीजिए एक पंचायत में 100 नाम जुड़े हैं, तो टारगेट वाइज मतलब मान लीजिए पहले टारगेट में 10 आए तो 10 के नाम आ गए, उसके बाद क्रम से आगे 5 टारगेट आ गया तो 5 के नाम फिर आ गए, मान लीजिए फिर 15 का टारगेट आ गया तो फिर 15 के नाम आ गए। तो इसलिए दोस्तों टारगेट हर महीने आते जा रहा है, और सभी को आवास जैसा कि है 2024 तक सभी को आवास प्राप्त हो जाएगा, तो वही दिशा में कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट रूरल हाउसिंग डिवीजन से आदेश निकला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार द्वारा। तो इसलिए यह वीडियो दोस्तों प्रत्येक स्टेट के लिए है, प्रत्येक राज्य के लिए, तो कृपया कर ध्यान से पूरा वीडियो देखें। कृषि भवन न्यू दिल्ली डेटेड द 12 सितंबर 2022 12 सितंबर 2022 को निकला है टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज प्रिंसिपल सेक्रेटरीज सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डीलिंग विद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG इन ऑल स्टेट्स UTs। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो आम व्यक्ति के लिए भी है और अधिकारी कर्मचारी गण के लिए भी है। तो सब्जेक्ट है पेनाल्टी प्रोविजन डिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू डिले इन एक्टिविटीज अंडरटेकन इन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG रिगार्ड्स। ठीक है, तो अब दोस्तों जो है पेनाल्टी लगेगी यदि कौन से फंड में, एडमिनिस्ट्रेटिव फंड मतलब एडमिन फंड में जो है पूरी पेनाल्टी लगेगी यदि कुछ, यदि जो आवास का निर्माण है में डिले होता है, मतलब देरी होती है। ठीक है, तो इससे नुकसान दोनों को होगा दोस्तों, आम नागरिक जो हितग्राही है उसको भी और अधिकारी कर्मचारी गण को भी, क्योंकि रिपोर्ट में भी गलत शो होगा कि हाँ इस ग्राम पंचायत में इतने जो है डिले हैं तो वहाँ से इतने जो है पेनाल्टी लग रही है, और इस प्रकार से हितग्राही के लिए भी नुकसानदायक रहेगा क्योंकि उसके भी अमाउंट में जो है कटौती होती जाएगी। इसलिए आप दोस्तों ये वीडियो दोनों व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति के लिए भी और अधिकारी कर्मचारी गण के लिए भी, कि आप जल्दी जल्दी आवास पूरा करना होगा टाइम लिमिट में। ठीक है, तो पेनाल्टी प्रोविजन डिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू डिले इन एक्टिविटीज अंडरटेकन इन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG रिगार्ड्स। ठीक है सर मैडम, द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG कब से, 1 अप्रैल 2016 से, तो 1 अप्रैल 2016 से जो है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन कर रहा है टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू इलिजिबल रूरल हाउसहोल्ड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.95 करोड़ हाउसेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरियाज बाय मार्च 2024। किसके लिए किया जा रहा है यह पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो है संचालन, प्रोवाइड असिस्टेंट टू इलिजिबल रूरल हाउसहोल्ड जो ग्रामीण वासी हैं, 2.95 करोड़
2.95 करोड़ हाउस बन सके, और किसके टारगेट को पूरा करने के लिए, हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए आवास है ना इन ग्रामीण एरियाज बाय मार्च 2024 तक सभी व्यक्तियों को ग्रामीण एरिया में जो है आवास का लाभ प्राप्त हो जाए, जो भी पात्र व्यक्ति उसको आवास का लाभ प्राप्त हो जाए। इन दिस कनेक्शन आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म द फॉलोइंग डिसीजंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टीज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इंस्यूइंग ट्रांचेस ऑफ सेंट्रल शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंड अंडर PMAYG इन केसेज वेयर देयर इज डिले इन वेरियस स्टेजेस ऑफ सेंक्शन या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एज फॉलोस। क्या डिसीजन लिया गया है, तो क्या डिसीजन लिया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की कंस्ट्रक्शन या सेंक्शन में कुछ डिले होता है, कुछ देरी होती है, तो अब जो है पेनाल्टी लगाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और कैसी पेनाल्टी लगाई जाएगी वो भी मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीरियल नंबर लिखा है, स्टेज, रीजन फॉर पेनाल्टी, प्रपोज्ड पेनाल्टी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एडमिन फंड, सीरियल नंबर, क्रमांक रहेगा इधर, स्टेज रहेगी पेनाल्टी के लिए क्या कारण है वो, और एडमिन जो प्रपोज पेनाल्टी जितनी रखी गई है एडमिन फंड में जो कटौती हुई वो, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला है सेंक्शन ऑफ हाउस, जो हाउस की स्वीकृति होती है उसके संबंध में, इफ डिलेट फॉर मोर देन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द टारगेट, यही टारगेट इश्यू होता है उसके बाद यदि डिले होता है एक महीने का, तो कितनी रखी गई है ₹10 पर हाउस फॉर फर्स्ट मंथ ऑफ डिले, ₹10 और ₹20 पर हाउस पर ईच सबसिक्वेंट मंथ ऑफ डिले और पार्ट देर आप। मैं इसका हिंदी मीनिंग भी दिखा देता हूं आपको। तो आवाज की स्वीकृति, जैसा कि हमने पहला देखा सेंक्शन ऑफ हाउस, आवाज की स्वीकृति यदि पेनाल्टी कारण करेगा, यदि लक्ष्य प्राप्ति के एक माह से अधिक हो जाने पर भी स्वीकृति नहीं दी जाती है तो पेनाल्टी लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्य डेली आ रहे हैं, कभी मंथली भी आ रहे हैं, तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा, अधिकारी कर्मचारी गण को भी अपने लॉगिन से चेक करते रहना पड़ेगा कि कब लक्ष्य आ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार सीधे लक्ष्य आता, टारगेट आता है, तो लक्ष्य देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि लक्ष्य प्राप्ति होने के एक माह से अधिक हो जाने पर भी स्वीकृति नहीं दी जाती तो पेनाल्टी लगेगी। तो पेनाल्टी जो अधिरूपित की जाएगी कैसी, राशि ₹10 प्रति आवास प्रथम महा विलंब पर, राशि ₹20 प्रति आवास द्वितीय महा विलंब पर, तत्पश्चात विलंब होने पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। ये हो गया, फिर सेकंड हम देखते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इफ डिलेट फॉर मोर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेंक्शन, इफ डिलेट फॉर मोर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेंक्शन, कितनी रहेगी ₹10 पर हाउस आर पर वीक ऑफ डिले आर पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो प्रथम किस्त, जैसे हमने यहां देखा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, प्रथम किस्त आवास स्वीकृति होने के 7 दिन से अधिक होने पर, आवास स्वीकृति होने के 7 दिन से अधिक होने पर, यदि आवास स्वीकृत हो गया है और चालू बनना नहीं हुआ है तो होने 7 दिन के अधिक होने पर क्या होगा, राशि ₹10 प्रति आवास 1 सप्ताह विलंब पर, इसके बाद विलंब होने पर यही क्रम निरंतर रहेगा, मतलब फिर ₹10 इस तरह से पेनाल्टी लगती जाएगी। इसके बाद है सेकंड इंस्टॉलमेंट, इफ डिलेट फॉर मोर देन 3 months फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ₹10 पर हाउस पर मंथ ऑफ डिले, ठीक है। द्वितीय किस्त, प्रथम किस्त प्राप्त होने के 3 माह से अधिक होने पर, प्रथम किस्त प्राप्त हो गई उसके 3 माह से अधिक हो गए हैं और द्वितीय किस्त स्तर पर नहीं आए हैं, ठीक है। ये प्रथम किस्त का क्या है कि यदि आपका आवास स्वीकृत हो गया है और 7 दिन से अधिक होने पर भी प्रथम किस्त के लिए अप्लाई नहीं किया, मतलब प्रथम किस्त लायक कार्य नहीं किया है, तो इतनी पेनल्टी। अब प्रथम किस्त प्राप्त हो गई है लेकिन 3 माह तक द्वितीय किस्त लायक काम नहीं किया है, प्रथम किस्त किस पे मिलती है, सेंक्शन पे तो सबसे पहले मिल जाती है, उसके बाद फिर प्रथम किस्त का मिलती है जब हम नीचे का बेस स्तर पूरा कर लेते हैं प्लिंथ लेवल, फिर सेकंड किस्त का मिलती है जब हम छत स्तर पर जाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बोला है कि द्वितीय किस्त प्रथम किस्त प्राप्त होने के 3 माह से अधिक होने पर भी द्वितीय किस्त लायक कार्य नहीं किया है तो राशि ₹10 प्रति आवास 1 माह विलंब पर, इसके बाद विलंब होने पर यही क्रम निरंतर रहेगा, ठीक है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट, इफ डिलेट फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द सेकंड इंस्टॉलमेंट, ₹10 पर हाउस पर मंथ ऑफ डिले, तो अब तृतीय किस्त के बाद कैसी का, यदि आपने द्वितीय किस्त प्राप्त होने के 2 महीने के भीतर, 2 महीना से अधिक होने पर, यदि आपने जब तक यदि तृतीय किस्त लायक कार्य नहीं किया है
तृतीय किस्त लायक कार्य नहीं किया है तो आपको राशि ₹10 प्रति आवास एक माह विलंब पर, इसके बाद विलंब होने पर यही क्रम निरंतर रहेगा। तृतीय किस्त कब देते हैं? नॉर्मली हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ तृतीय किस्त कब होती है, जैसे मान लीजिए आपने छत डाल ली उसके बाद प्लास्टर के लिए मिलेगा, और चतुर्थ किस्त कब मिलेगी? पूर्णता, जब पूरा जो मकान है पूर्ण हो जाएगा, सब चीज लगा लिया आपने, खिड़की दरवाजे सब लगा लिए, उसका चतुर्थ किस्त मिलती है पूर्णता के लिए। तो तृतीय और चतुर्थ किस्त प्राप्त होने के 2 माह से अधिक होने पर यदि आप चतुर्थ किस्त या पूर्णता सीसी पर नहीं आए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर नहीं आए, तो राशि ₹10 प्रति आवास एक माह विलंब पर, इसके बाद भी विलंब होने पर यही क्रम निरंतर रहेगा, ₹10 लगते रहेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने देख लिया। इफ डिलेड फॉर मोर देन 2 मंथ्स फ्रॉम द सेकंड इंस्टॉलमेंट रुपीज 10, और इसी के बाद हमने ये भी देखा फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट या कंप्लीशन। ठीक है, जैसे अलग अलग स्टेट्स में इंस्टॉलमेंट को बांट के रखा है, तो उस तरह से जैसे हमारे स्टेट में मध्य प्रदेश में पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000 मतलब पहली जो किस्त थी 25,000 की, फिर 40,000, फिर 40,000 और आखिरी 15,000 की। इस तरह से अलग अलग राज्यों में जो है उसको अलग अलग बांटा है, इंस्टॉलमेंट को मिलना 1,20,000 ही है, उसके बाद जो 90 दिन की जो मजदूरी है वह भी मिलना है, जिस राज्य में जो मजदूरी दर है उस हिसाब से 90 दिन की मजदूरी भी मिलती है। ठीक है, तो यदि इफ डिलेट फॉर मोर देन 2 मंथ्स फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट ₹10 पर हाउस पर मंथ ऑफ डिले, हमने देख चुके हैं पूरा कि भाई ₹10 प्रति आवास एक माह विलंब पर, है ना। अब छठवें पॉइंट पर हम आ रहे हैं, छठवां पॉइंट है दोस्तों कैप्चरिंग एंड अप्रूवल ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ ईच स्टेज ऑफ हाउस इफ डिलेट फॉर मोर देन 3 डेज फ्रॉम कैप्चरिंग ऑफ द फोटोग्राफ, यदि ₹10 पर हाउस इंस्टेंस ऑफ डिले, आवास के प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर मतलब स्वीकृति, आवास की स्वीकृति, प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त, चतुर्थ किस्त, है ना, पूर्णता, तो आवास के प्रत्येक स्तर पर यदि फोटोग्राफ कैप्चरिंग जो हम जियो टेक करते हैं तथा अप्रूवल जो जनपद स्तर से फोटो वेरीफाई होती है, यदि इसमें हमने देरी करी, कैप्चरिंग जियोटेक तथा अप्रूवल जनपद स्तर से फोटो वेरीफाई में यदि 3 दिन से अधिक विलंब हुआ तो राशि ₹10 प्रति आवास 3 दिन से अधिक विलंब होने पर, इसके बाद विलंब होने पर यही क्रम निरंतर रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों पूरा जो है टेबल बन चुका है पेनाल्टी का, किस किस तरह से पेनाल्टी लगना है। मंथ वुड मीन 1 कैलेंडर मंथ, द डे पीरियड टू द करस्पॉन्डिंग डे इन द नेक्स्ट कैलेंडर मंथ। तो हमने हिंदी में भी देखा दोस्तों और इंग्लिश में पूरा आदेश देखा। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं, इट इज पेरिटिनेंट टू नोट दैट दिस ऑर्डर शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, मतलब 1 अक्टूबर 2022 से यह है जो है टेबल में जो दिखाया पेनाल्टी वो लागू हो जाएगी। ऑनवर्ड्स पेनाल्टी विल नॉट बी इम्पोज इन केस द एक्टिविटी इज कम्प्लीटेड बिफोर 1 अक्टूबर 2022, यदि 1 अक्टूबर 2022 से पहले सब कंप्लीट हो जाते हैं आवास जिस भी स्टेट के, जिस भी ग्राम पंचायत के, तो ये पेनाल्टी नहीं लगेगी। इवन इफ विथ डिले बी एंड वॉट इज गिवन इन द टेबल एबव, However, from 1st October 2022, the penalty will impose if the activity has been performed with delay as per the above table. First, 1 October 2022 के बाद ये penalty लगना शुरू हो जाएगी। In such case, the calculation of delay will include the delay period to 1st October 2022 for determining the amount of penalty to be deducted. No penalty would be imposed if no central funds are available with the state, provided that the state has sent its demand in time along with complete set of documents fulfilling all conditions for release of central share, including release of state share of funds. Your faithfully डिप्टी डायरेक्टर जनरल RH, और इस तरह से आप देख सकते हैं कॉपी भी दी जा चुकी है। दोस्तों मैंने आपको पूरा आदेश दिखाया, इंग्लिश में भी दिखाया और हिंदी में भी आपको उसी का ट्रांसलेशन दिखाया। ठीक है, तो यह दोस्तों क्या हो गया है, पेनाल्टी का प्रोविजन हो चुका है, पेनाल्टी प्रोविजन डिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू डिले इन एक्टिविटीज अंडरटेकन इन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो ये पेनाल्टी का प्रोविजन हो गया है, तो मेरा सभी से ये निवेदन भी है कि जल्दी जल्दी आम हितग्राही से भी कि जल्दी जल्दी आवास अपना पूरा कर ले कि पेनाल्टी से बच सके, और कर्मचारी अधिकारी गण के लिए भी कि जल्दी जल्दी आवास पूरा कराने में हितग्राही की मदद करें जिससे कि आवास सही टाइम पर पूरा हो जाए और पेनाल्टी से बच सकें। इसी प्रकार दोस्तों और भी कोई न्यू अपडेट आता है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड तो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑल इन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।